अलीगढ़ में अचानक कार में भीषण आग लग गई, जिसके से इलाके में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड को आग की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया। हालांकि कार आग में जलकर खाक हो गई। नहीं, अभी अभी मैं गाड़ी जैसे लाकर खड़ी करी गर्मी की वजह से, अब शीशा चढ़ा दिया मैंने पूरे, एकदम गर्म गाड़ी थी, पता नहीं एकदम जो है या तो बैटरी शॉर्ट हो गई या आगे जो है कोई हो गया इलेक्ट्रिक फॉल्ट। गाड़ी पेट्रोल की थी? नहीं, पेट्रोल पे भी है, गैस पे भी है। आग लगने का कारण पता लगा? पता तो सर यही है कि वो बैटरी जो है या तो बैटरी फटी है, सबसे पहले बैटरी फटने के कारण इसलिए सर हो गया। लगभग कितना नुकसान हुआ? करीब ऐसे वाले सर 1,20,000 के आसपास। कौन सी जगह है? एनसीईआरटी की किताबों से बाबरी मस्जिद शब्द हटाकर तीन गुंबद वाला ढांचा करने की तैयारी को लेकर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अफसोसजनक बताया से। उन्होंने कहा कि ऐसा करके इतिहास खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अलीगढ़ में चोरी के शक में मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या करने की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपियों के मददगार जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अफसोस की बात है कि जो हमारा इतिहास है कि जो उस टाइप की बात को लाकर करके तो उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो बाबरी मस्जिद का मसला था उस सब को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें इन दोनों जो एनसीईआरटी ने जो किया है, हम कहते हैं कि हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को भी अगर आप कोई सब कोर्स लेकर के आ रहे हो तो उसमें पता होना चाहिए कि वो हमारी किस तरह से हमारा वो धार्मिक स्थल वहाँ पर हमारा था और उसको बाद में किस तरह से बदल कर दूसरा धार्मिक स्थल बनाया। कहूँगा कि इससे पिछली वाली सरकार का अंदर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस टाइप की घटना है एक आम बोल चलेंगे कि उनका प्रचलन चल रहा था, और फिर से सरकार बनने के बाद में ये घटना हुई है, तो इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त। महोबा में भूसा बेचने के विवाद में दबंगों ने माँ पुत्र के साथ लाठी डंडों से मारपीट की है, जिससे माँ बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि समय रहते घायल माँ बेटे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ितों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी, इसके बावजूद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला हुआ? मामला ये है कि हम भूसा वाली मशीन चला रहे हैं जो मूंगफली फोड़ने वाले, तो हमारा भूसा रखा था ठग का, इन लोगों ने बेच दिया। कौन लोग? गणरिया। क्या नाम उनका? हरिचंद पाल और दीपू पाल, मुनी पाल, 30-40 लोग पूरा परिवार, तो इन लोगों ने बेच दिया। जिसको बेचा हमने उसको कहा कि भाई ये भूसा कहाँ से, तो वो बोला कि उनने उठवाया हमको, उनने पैसे लिए, हमने की मौके के बाद वो गया लेने, हमें तो खूब बेचने रोड पर डाल। अब हमारी मम्मी को आए डिग्गा में भर के हमारे दरवाजे पे पाई मार दी। कौन से गांव का मामला? कोहनिया। कौन कौन थे, कितने लोग थे? जी कितने लोग थे? कम से कम 20-22 लोग।